मुजफ्फरनगर क्षेत्र का गांव बिरालसी। राजपूत बाहुल्य इस गांव को आमतौर पर भाजपा का समर्थक माना जाता है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राजपूत समाज के दो दिग्गज नेताओं संगीत सोम और सुरेश राणा की हार के बाद इस क्षेत्र के राजपूत समाज में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के खिलाफ नाराजगी मानी जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नाराजगी बनी रहेगी या योगी मोदी के भक्त इस गांव के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट करेंगे? जानते हैं इस गांव का हाल, क्या है इस गांव के लोगों का मिजाज, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैं आपका राजपूत हैं आप? अच्छा, राजपूत का गांव है पूरा। तो लोकसभा का चुनाव भी है, तो किस मध्य में देख रहे हैं आप किस चुनाव को? विकास के देख रहे हैं। विकास किसने करवाया? विकास तो सारी सरकार ने अच्छा काम करा। अच्छा, तो अब की बार क्या करेंगे? बस चांद तो इनके भाजपा के हैं, यहाँ तो उनकी वोट है ना ज्यादा। अच्छा, हरिंदर मलिक जी की नहीं है? देखो, मैं तभी आए नहीं, हम तो सांसद जी घूमे आपके 10 साल में यहाँ। संजीव बालियान जी क्या क्या काम करवाया उन्होंने गाँव में? गाँव में तो आते हैं, कुछ ना कुछ काम देते हैं। तो अब की बार क्या करेंगे? अभी हम की बार हम तो भाजपा को देंगे। मुझे क्या नाम है आपका? नाम दुष्यंत है। दुष्यंत जी कहाँ के रहने वाले हो? गांव बिरालसी। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है जी, किस नज़रिए से देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव को तो बताओगा जी, हिसाब बनागा जी। वैसे क्या लगता है गाँव में? गाँव में तो बीजेपी का लगता है। संजीव बालियान जी से मिले? अभी तो मिले नहीं। 10 साल रह गए सांसद, आए दो बार मुलाकात आई। गाँव वाँव में काम करवाया? गाँव में तो कोई खास काम नहीं। फिर बीजेपी क्यों? तो फिर भी जो है अपना हिसाब है जी बीजेपी का, हम तो शुरू से ही सीखे हैं। क्या हिसाब बनना है? क्या हिसाब बनना? हिसाब तो काम सही तक आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री हैं, तो चेहरों को वोट दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी के। हरीश कुमार गर्ग। अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले हैं? बिराल से। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है जी, तो क्या मूड है? नहीं, मूड तो वैसे तो है थानी है संजीव बालियान का, लेकिन पार्टी को छोड़ कर जाओगे कहाँ पे? जाएंगे तो भाजपा में। अच्छा, ये क्या काम करे भाजपा ने? भाजपा ने बिराल से के लिए तो कोई कार्य नहीं है संजीव बालियान का, तो फिर नहीं पार्टी छोड़ कर सकते ना। अच्छा, बात ये है। हरिंदर मलिक जी भी चुनाव मैदान में है? हाँ जी। तो उनके लिए कैसा रहेगा सर? नहीं, उनके लिए कोई नहीं यहाँ पे। तो अब की बार क्या होगा? नहीं है तो संजीव बालियान जी के अपने क्षेत्र में देखेगा संजीव बालियान, जो भी वो करेगा वो उसका क्षेत्र क्या है क्या नहीं है। आपके गांव का मोड़ जो है ये तो ज्यादातर 70% बीजेपी की है। भाजी क्या नाम है आपका? कंवरपाल सिंह चौहान। चौहान साहब, आपके कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? बिरालसी। अच्छा, इलेक्शन है 2024 का जी, लोकसभा का, तो क्या मान के चल रहे गाँव में आज? जी हमारे यहाँ तो जो है पार्टी का हिसाब है, बीजेपी की जीत होगी। क्यों, क्या करा बीजेपी ने ऐसा? बीजेपी ने ये ज़्यादातर काम जो है ब्लॉक स्तर से होते हैं, और ब्लॉक स्तर के जो भी मान लिया सीसी पड़ रही या खुरंजे बन रही, ये ब्लॉक स्तर से हो रही ज़्यादातर। आपके सांसद भी 10 साल हो चुके हैं संजीव बालियान जी को, गांव में घूमे हुए? मैं घूमे नहीं, लेकिन जो है जब इलेक्शन आता है तब घूमते हैं। जब भी आप बीजेपी का नाम ले रहे हैं? हाँ, जब भी बीजेपी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ बीजेपी का ही हिसाब था, हम देखते हैं पार्टी। क्या नाम है आपका? पप्पू चौहान। चौहान जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिरालसी के जी। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है? हाँ जी। तो किस नज़रिए से देख रहे हैं चुनाव को? हम तो भाजपा के हैं जी। क्यों, क्या करा भाजपा ने? सब कुछ उन्होंने कर दिया, देश ही बहुत ऊपर उठा दिया उन्होंने। संजीव किसान खतर किया ना करा होगा, वैसे तो बहुत कुछ कर रहे हैं। मोदी जी ने किसानों को बहुत दिया, बीमा योजना है बहुत है, मगर अन्य स्कीम भी दी है। हाँ जी। तो संजीव बालियान जी से मिले अपने गाँव में? तो फिर बीजेपी को वोट क्यों? वो तो बीजेपी कैंडिडेट है ना, फिर किसे दोगे? देखने जो तो मौका क्या होगा, है बीजेपी कैंडिडेट। किस नजरिए से देख रहे हैं आप? क्या आएगी तो बीजेपी, लेकिन यहाँ पर जो है संजीव बालियान का बहिष्कार सही हो रहा है। क्यों? इसने हमारे यहाँ तो क्षेत्र से सारे काम लेकर चले गया, हमारे यहाँ तो इतना करा ही कुछ ही नहीं। अच्छा, राजपूत समाज सारा कटा हुआ है। अच्छा,
तो दूसरी प्रत्याशी भी है, हम तो नोटा के दबाने वाले तो हैं, हम दूसरे प्रत्याशी कम लेंगे। नाराजगी है, नाराजगी है बीजेपी के, और बीजेपी तक अलग हम वोट नहीं सकते किसी भी। तो क्या करोगे अब की बार? नोटा दबा देंगे और क्या। तो नाराजगी ज्यादा है सांसद जी से? हाँ जी ज्यादा है। जी आपका? राज सिंह चौहान। चौहान साहब कौन से गांव के रहने वाले? गिराल सिंह। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है तो क्या देख रहे हैं इस चुनाव को? भाजपा को ही देंगे। और क्यों भाजपा को? क्यों जी, ये पार्टी हमारी है, हिंदू भी है, अच्छे काम कर रही। हिंदू तो दूसरा भी है, हरिंदर मलिक जी भी है मैदान में। मैदान में हरिंदर मलिक जी भी है। भाजपा में तो नहीं है। फिर भाजपा में कौन है? भाजपा में संजीव बालियान है। गांव में घूमे आपके? नहीं घूमे तो दिखा है नहीं। कोई काम वाम करवाया गांव में? बस काम भी है सब, कुछ नहीं। फिर बताओ करें क्या? हम तो भाजपा मजबूरी है ना भाई। तो क्या मजबूरी होगी ऐसी? बस अब लोग जब भाजपा ना होती तो हमें तो टोपी ओढ़नी पड़ जाती। अच्छा, तो इस वजह टोपी ओढ़ने से बचने के लिए भाजपा को वोट दे रहे? तो बहन बेटियों की इज्जत बच रही। योगी जी ने भी बहुत अच्छे काम करे। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है। अच्छा जी, किसने जी इसे देख रहे अपने गांव में? नतीजा तो समझो भाजपा की तरफ है। क्या कर दिया भाजपा ने? बखेरा कुछ कर दिया। क्या करा भाई? रोड बनवा दिए, और भाई जो है ये सिलेंडर दे दिए लोगों को। योजना का लाभ मिला कुछ आपको भी? हाँ, सिलेंडर मिला है। अच्छा, तो संजीव बालियान जी से मिले? आपके सांसद रह चुके हैं 10 साल हो गए उन्हें मिले तो जी। कुछ काम वाम करा गाँव में? गाँव में ये गिरा यहाँ से, ये लगवाई इंटरलॉक। अच्छा, दूसरे पक्ष से हैं हरिंदर मलिक जी भी हैं मैदान में। हाँ जी, तो उनका कैसा रहेगा गाँव में? बढ़िया रहेगा उनका भी। टक्कर तो देखो हरे कुछ चले तो एक आदमी चल पड़े। तो अब की बार क्या करोगे? अब की बार जो है पलटना सोच रहे हो? क्या पलटना सोच रहे बताओ, कैसा क्या करने की? आप ही तो करोगे, आप वोटर हो। क्या लगता है जैसा बीजेपी को कह रहे हैं? हम तो देखो बीजेपी की सही नाम। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है तो क्या मूड है आपके गांव वालों का? आप भाजपा को देंगे? क्यों भाजपा को? क्यों भाजपा को देंगे? और वो देखो महंगाई पे आती है, लेकिन यह जो गुंडागर्दी है या कम है। अच्छा, रास्ते को हम सड़क को बेफिक्र चले जाएं और अपने घर में घेर में बेफिक्र रहे। सांसद जी से मिले आप 10 साल में? हाँ मिला। क्या कार्य करवाए उन्होंने? कार्य तो उन्होंने शमशान घाट करवाया, रास्ते बनवाए। अच्छा, दूसरे प्रत्याशी भी हैं, अन्य पार्टियां भी हैं, उन्हें क्यों नहीं? हम तो खुद भी देखे सांसद जी देखे। हाँ ये देखे। तो क्या करोगे? है? क्या करोगे? वोट देंगे। किसे? संजीव बालियान जी। ले गाँव में आपके? वैसे तो जी टाइम बताओगा, अभी पता कुछ नहीं भी। क्या कारण है ऐसा, क्या हुआ? कुछ नाराजगी है सांसद जी से? अजी बात यह है, जितने भी गाँव के ये वैसे नेता है कोई, ये जो है पैसा लगावे जरूर, लेकिन पूरा नहीं लगाते। जितने लगाना चाह ना इसकी छानबीन होती। अच्छा, चेक नहीं होता गाँव में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब यह टंकी लग रही, देखो रोज की जो है कहीं ना कहीं रास्ते खराब हो जाओ। अच्छा, इतना कहाँ वो आ रहा है जो पर ही सकता है भाई, ये जल्दी कर जाओ, अच्छे कर जाओ। सांसद जी से मिले अपने 10 साल हो गए? नहीं, मैं नहीं मिला किसी। और कोई कार्य वार्य करा उन्होंने गाँव में? कार्य तो पैसा कोई ऐसा हुआ कहाँ, समझा घाट होता है क्या कह रहे कुछ उन्हें कौन से अपने घर से लग। तो नाराजगी है आपको सांसद जी से? क्या मैं कुछ पता नहीं। ठीक, जरा तो बस यहाँ तो टाइम बताओ जी बिराले। टाइम क्या बताएगा? पब्लिक का तो रास्ता भी आज के टाइम में कुछ लगता नहीं। कुछ तो होगा गांव में, दिल की बात तो खोल दो। कुछ तो नहीं होगा, यहाँ तो जाता है भाजपा खड़े कर रहे हैं लोग। भाजपा क्यों, और क्यों नहीं? चीफ सेंटर तो भाजपा के रहे हैं, और भी तो पार्टियां हैं। पार्टी तो बहुत है। फिर यूँ तो हर घर में बाप भी है, बाबा भी है, दादी भी है, पोते भी है, बहू भी हैं, बहू की बहू भी है, लमड़े की बहू जी भी हैं, पोती भी हैं, पोते भी हैं, तो हर जगह हर चीज़ का वो है। तो यहाँ का नहीं है, तो यहाँ क्या होगा आपके? यहाँ तो भाजपा का सौदा चलेगी। संजीव बालियान जी से मिले एक बार भी? वो तो यहाँ मेरे खाली 2 महीने में चक्कर मारता है। कुछ काम वाम करवाए गाँव में? हाँ करवाए। क्या
एक तो प्लेट हमारे यहाँ लग रही है। अच्छा, तो इंडियन गठबंधन से भी हैं हरिंदर मलिक जी यहाँ? बस इतना तो मुझे तकरीबन जी। तो क्या करोगे आपके क्या करोगे? बस हम तो भाजपा को देंगे। भाऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार शर्मा है जी। कौन से गांव के रहने वाले हो? गांव बिराड़ से है जी। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है? हाँ जी। तो क्या मूड है आपके? मूड तो ठीक रहेगा जी, भाजपा ही बनेगी सर। क्यों? भाई दो तीन काम तो इनके अच्छे हो ही रहे। क्या? एक तो बिल्कुल आराम तो सो है। मैं स्कूल का भाग्य, मैं तो आज बाजू उल्टी आप आ जी। इतना डर? नहीं डर कहो ऐसा कुछ कहो तो नहीं है, पर जाकर पकड़ तो लेता था कोई। अच्छा, अभी चली जाती हूँ फिर तो। अब दूसरी बात, योगी तो बिल्कुल ठीक ही चल रहा, इसे मतलब कोई वो है बुराई तो थोड़ी बहुत हो जाए पर है। हाँ ओले आले पड़े भी, इसमें किसी ने सुनी नहीं, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, ओले पड़े जैसा जो लौट के लौट पोट हो गए। मैं तो एक छोटा सा किसान हूँ, ठेके में खेत ले रखे और सवेरे लौट के नीचे गन्ना कीड़े ने खा गया, हम तो नुकसान में, लेकिन ओलों का तो भरपाई सरकार को करनी चाहिए थी। तो सरकार ने, योगी जी ने तो आदेश करे थे कि किसानों के, लेखपाल किसानों के पास जाएंगे। लेखपाल किसानों के पास वहीं जाएंगे, और तो फिर शिकायत में कुछ ये कह दूँगा वहीं जाएंगे, जो अच्छे अच्छे से आदमी हैं गाँव में उनके दौरे उनके पाँच सात दस के नाम वो लिखवा देगा अपने चढ़ने वालों के, बस वो ही रहता हूँ। तो सांसद जी से मिले अपने? हम नहीं मिले भाई। तो फिर वोट क्यों? बस फिर ये दो तीन बात ध्यान रखते हो भाई, दूसरी बात मुल्ला मुल्लाओं का जो हिसाब से लोग वो मान लो जहाँ। तो क्या करोगे अब की बार? वैसे देंगे हम तो भाई, मोदी जी को ही देंगे। चेहरे को वोट दे रहे हैं आप बस? नहीं, बीजेपी पार्टी है वैसे तो। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है 2024 का। अच्छा, तो गांव में क्या मूड है? गांव का तो मूड इसका मोदी जी का मूड है जी, मोदी जी को दे रहे। अच्छा, मोदी जी ने क्या करा? क्या करा लोकसभा चुनाव में? मोदी जी ने नितिन गडकरी ने सड़कें बिछवाई, मोदी जी ने विदेशों में छाए बना दी, इतना अमरेशन जाकर घेर दिया और लोगों को यहाँ से राशन पानी दे रहे, किसी बंदरी ये थोड़ा काम कर रहे हैं मोदी जी, और कुर्ता पजामा काट लो उनका। अच्छा, मोदी जी तो कर रहे हैं, आपके सांसद भी कर रहे हैं काम? सांसद तो जब सपोर्टरों को गुगाम करवाने वाला होगा जब भी तो करेंगे सांसद काम। मिले आप सांसद जी से अपने? जी संजीव बालियान जी से। हाँ, हाँ मिले थे। कुछ कार्य करवाया गाँव में? गाँव करवाया, रास्ता बनवाया हमारा। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं आप, अन्य पार्टियां भी है, राहुल गांधी जी भी है और मायावती जी भी है। तो राहुल गांधी तो पहले ही कनस्तर खाली कर गया था, राहुल गांधी क्या करेगा? अच्छा, हाँ तो कनस्तर भरोगे कैसे आपके? कनस्तर तो भरी जाएगा। कैसे भरोगे? तीसरी बार आओगे मोदी जी। अच्छा, हाँ से देख रहे इस चुनाव को? हमारे यहाँ तो जी पहले से भाजपा ही है, और इस बार तो और भी ज्यादा डटके दे रही है भाजपा को वोट। क्यों? क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा ऐसा था वो सुलझा दिया मोदी जी योगी जी ने, एक किसान का पेमेंट अच्छी तरह से आ रहा है और मिल भी समय पर गन्ना ले रहे हैं। अब मार्च का महीना है, आप देखो गन्ना खत्म हो गया, यानी पहले जून जुलाई तक गन्ना चला कर रहा था किसान का। अच्छा, आपके सांसद भी रहे 10 साल हो गए, संजीव बालियान जी, मिले आप? हाँ जी, वे तो बेचारे विवेक जी और संजीव जी आते ही रहे जी, महीने में एक चक्कर लग जा दो लग जा। अच्छा, क्या कार्य हुए उनके जिले गाँव में? कार्य पिछली योजना में शमशान घाट भी बनाया था, अब के लगभग 400 मीटर का एक इंटरलॉक दिया है जी, एक अभी स्ट्रीट लाइट लगाई है गांव में। अन्य पार्टियां भी हैं? वो अन्य पार्टियां भी है, पंकज मलिक जी थे यहां से सांसद विधायक हैं, अब 2 साल हो लिए कोई काम नहीं करा जी। उनके पिताजी इलेक्शन लड़े हैं आपके? कोई काम नहीं करते जी, कुछ नहीं, सब ऐसे हैं सारे के सारे, कुछ नहीं करते, ये तो मोदी योगी जी हैं जो काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे आपकी बात? भाजपा को वोट देंगे जी पूरा। हाँ जी, किस नजरिए से देख रहे हैं इस चुनाव को गाँव में? यहाँ तो लगभग 100% बीजेपी है जी। क्यों? क्योंकि काम ऐसा कर रखा माने सांसद जी ने भी और योगी जी ने और मोदी जी ने। क्या काम कर दिए? अजी घर घर राम जो 500 साल का विवाद मुद्दा था वो मोदी जी ने सुलझा दिया, कहाँ नंबर आ रहे थे और हमारे तो इष्ट हैं। गांव में भी करवाया कुछ? गांव में बहुत काम करवा रखा सांसद जी ने। सांसद जी ने अभी 2 रास्ते दिए थे गाँव में, इससे पहले लाइट दी थी, शमशान है, बहुत बहुत काम सांसद जी ने करवा रखा हमारे यहाँ। अच्छा, आपके राजपूत समाज में घूमा मैं इस गांव में। हाँ। तो राजपूत समाज के कुछ लोगों का कहना था कि है ना मतलब विरोध है सांसद जी का, वो क्यों है, क्या कारण है? सांसद जी का विरोध नहीं है, वो तो ये चाह रहे हैं राजपूत समाज के ना पश्चिम में हमें भी एक दो टिकट मिले, ये विरोध है। अच्छा।
और साथ संभावना है सहारनपुर से, मेरठ से, गाजियाबाद से, राजपूत समाज को भी पार्टी टिकट देते, ये विरोध भी खत्म, ये विरोध भी खत्म होगा। अच्छा, अन्य पार्टियां भी हैं, उनमें क्यों नहीं, मोदी जी में क्या खास बात है? मोदी जी ने देश का वो सम्मान कराया है जो पिछले 65 साल में इन्होंने गलत में पहुंचा दिया देश को, उन्होंने 10 साल में देश को चांद पर पहुंचा दिया। तो क्या करेंगे अब की बार? झंडे पे चांद होना कोई वो नहीं है, चांद पर झंडा होना चाहिए, और वही मोदी जी ने करा, चांद पर झंडा लहरा दिया। तो क्या करेंगे अब की बार? बीजेपी को वोट देंगे। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।